नमस्कार दोस्तों, टेक्टोनिक्स हिंदी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जो प्रोडक्ट लेके आपके पास आए हैं वो है एक ट्राइपॉड। इसका इस्तेमाल हम वीडियो शूटिंग में करते हैं, फ़ोटो खींचने में करते हैं और काफ़ी इजी हो जाता है इसे शूट करना। तो चलिए हम दिखाते हैं ये कौन सा किस कंपनी का ट्राइपॉड है और क्या मॉडल है इसका। तो देखिए ये है साइवो ब्रांड का है, ये S1000 Pro मॉडल हो गया इसका, ट्राइपॉड है और ये आता है एक मोबाइल होल्डर के साथ। जी हाँ, इसके साथ मोबाइल होल्डर फ्री में दिया गया है। ये बहुत ही प्रोफेशनल है और लाइट वेट ट्राइपॉड है। इसके जो मैक्सिमम लोड कैपेसिटी है वो 5 kg है, 5 kg का लोड हम इस पर डाल सकते हैं जो सफिशियंट है किसी भी DSLR या कैमरा के वेट रेंज में। तो चलिए और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारा है वो है इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स इसमें बबल हेड है, इसके हेड पर बबल वाला जो हॉरिजॉन्टल लेवलर होता है वो इसमें दिया हुआ है, जिसकी मदद से हम इसका एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं और उतना पे हम उसको लॉक कर सकते हैं। बबल हेड प्रेजेंट है इसमें, थ्री सेक्शंस मतलब उसका टोटल जो लेग है वो 3 सेक्शंस में फोल्ड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली हम ट्राइपॉड की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरा है एसेसरी हुक। एसेसरी हुक जो है ये इस तरह का एसेसरी हुक इसमें मिल जाता है, जिसमें हम इस वीडियो शूटिंग रिलेटेड कुछ एसेसरीज जो होते हैं उसको हम कहाँ रखें नहीं रखें, तो ये हुक टाइप का दिया रहता है, इसमें हम उसे लटका सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा जो है यूज़फुल फीचर है। चौथा है 360 डिग्री स्वीवेल मूवमेंट। इसका स्वीवेल जो है वो पूरे गोल जो है 360 डिग्री यह पूरी तरह से घूम जाता है, तो इससे वीडियो शूटिंग में काफ़ी हमें हेल्प मिलती है। तो और आगे देखते हैं क्या है। यूनिवर्सल स्क्रू है, इसमें यूनिवर्सल स्क्रूज दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो है टॉप पे, ये यूनिवर्सल स्क्रू इसे कहते हैं। तो एक्चुअली यूनिवर्सल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही जो स्क्रू है ये मोबाइल में भी फिट हो जाएगा, DSLR में भी और अदर डिवाइसेस में भी, जैसे GoPro है, इस तरह से वीडियो कैमरा होगा, सब में सेम साइज़ का ये स्क्रू रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल स्क्रू कहते हैं। इसमें भी उसी साइज़ का दिया हुआ है, तो इसके कारण इसकी कंपेटिबिलिटी जो होती है वो काफ़ी डिवाइसेस के लिए बन जाती है। और आगे देखते हैं, इसमें 1 ईयर वारंटी आता है, ठीक है। उसके पहले हम देखना चाहें तो ये किसी किन किन डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करता है, वीडियो कैमरा, DSLR, GoPro, ये सारे डिवाइसेस को ऑलमोस्ट सपोर्ट कर देता है ड्यू टू द यूनिवर्सल स्क्रू, ठीक है, सारे कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ। और कुछ फीचर्स देख लेते हैं। 5 kg मैक्सिमम लोड, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। मिनिमम हाइट, मतलब एक लेग पर जो होता है, 3 सेक्शन में लेग्स होते हैं, तो 1 सेक्शन का मिनिमम हाइट जो ये इसे मिलता है वो है 5.57 फीट का होता है। मिनिमम ट्यूब डायरामीटर, जो दायरा होता है लेग स्पैन के बाद, वो 20 mm से, जब तीनों लेग ओपन हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26.5 mm मैक्सिमम ट्यूब डायरामीटर इसका हो जाएगा। बाकी तो ये इम्पोर्टेड कहाँ है, ये अपना इंडिया में इम्पोर्ट हुआ है, MRP 5999 दिया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी कम रेट में आता है, ये 1000 से 1500 के बीच में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन मैंने मंगाया है तो आप भी देख सकते हैं, इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे चाहें तो खरीद सकते हैं। और हम इसे देख लेते हैं, और कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा है, नहीं, जैसा कि मैं देख रहा हूँ सारे चीज़ कवर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट हाफ में, जो कि है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग करते हैं इसका हम, तो इधर से हम इस नाइफ़ की मदद से इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमने इसे ओपन कर दिया है, स्टेप को थोड़ा सा रिमूव करते हैं और इसको खोल के अब इसे हम बाहर निकालते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो बॉक्स को हम इस तरह से प्यार से निकालते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं। तो हमें ये मिल रहा है एक बैग, ठीक है, कैरिंग बैग है ये, जिसमें एक बेल्ट लगा हुआ है और इसमें बेल्ट साइज़ को एडजस्ट करने के लिए भी दिया हुआ है, तो इसे हम अपने शोल्डर पे भी कैरी कर सकते हैं इस तरह से बड़ा करके, और छोटा करके इसे हम हाथ में भी इस तरह से कैरी कर सकते हैं। तो ये देखा हमने, और हम देखते हैं सेवियो ब्रांड इस पर प्रिंट किया हुआ है। अब यहाँ पे एक जिपर दिया हुआ है, हाफ सेक्शन तक जिपर है, इधर से हेड से लेकर हाफ सेक्शन तक ही जिपर है। तो इसमें हम ओपन करते हैं और हमारे ट्राइपॉड को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ट्राइपॉड प्लास्टिक के पैकेजिंग में आ रहा है, इसको हम धीरे से आराम से, हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो गिरे नहीं, उन चीज़ को ध्यान देते हुए प्यार से ही इसको हमें बाहर निकालना है। बाहर आ चुका है, ठीक है, सिलिका जेल भी है टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ताकि इसमें कोई रस्टिंग वस्टिंग ना आए। अब हम इसके प्लास्टिक पैकेजिंग को रिमूव करते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग रिमूव हो गई है। अब हम इसमें जो देख रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि ये और एक ये, पहले इस पे आते हैं। ये है सेवियो ब्रांड की तरफ से एक कुछ इन्फॉर्मेशन है, यूविन ₹100 कैशबैक। क्यों, कैसे मिलेगा हमें ये, प्रमोशनल ऑफ़र है, ठीक है, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक व्हाट्सअप करना है हमें इस नंबर पे एंड गेट पेटीएम कैशबैक। कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज है, व्हाट्सअप अस योर नेम, हमें अपना नाम जो है जिस नाम से ऑर्डर है वो नाम इनको व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, तो वो हमें उसी नंबर
जिस नंबर से व्हाट्सअप किया है वो पेटीएम पे देखिएगा रजिस्टर्ड होना जरूरी है ताकि उसी पर वो पेटीएम कैशबैक देंगे। यदि दूसरा पेटीएम नंबर है तो आप उसमें लिख दीजिए नीचे कि माई पेटीएम नंबर इज़ डिफरेंट एंड उसको मेंशन कर दीजिएगा। और कन्फर्मेशन रजिस्टर योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी विद इन 10 डेज ऑफ परचेज टू क्लेम द वारंटी बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। प्रोडक्ट को हमें रजिस्टर भी करना है, कहाँ जाना है हमें, www.saivo.in पर जाके प्रोडक्ट को रजिस्टर भी कर लीजिए। कन्फर्मेशन ऑफ ऑनरशिप, हैसल फ्री असिस्टेंस, प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, रिसीव इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से, तो 100 कैशबैक का फायदा जरूर उठाइएगा। अब ये जो है विथ मोबाइल होल्डर जैसा मेंशन था पैकेट पे, तो ये मोबाइल होल्डर अलग से पैकेजिंग के साथ आया है। चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। इसे हमने ओपन कर लिया, इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रूइंग भी कर सकते हैं और वर्टिकल भी कर सकते हैं, ठीक है। फिक्सेशन हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कुशन भी दिया हुआ है, देखिए फोम है ना, ताकि जब मोबाइल हम कनेक्ट करेंगे इस पर तो हमारा मोबाइल का जो सरफेस जो भी यहाँ पे आएगा उसमें कोई स्क्रैचेस नहीं आए, इसके लिए यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग दी गई है। और ये देखिए, ये एक्सपेंडेबल है, इस तरह से ये एक्सपेंड हो रहा है आपके मोबाइल के साइज़ के हिसाब से, ये इस तरह से उसको होल्ड कर देगा, ठीक है। सही है, काफ़ी फ्री है। यहाँ पर भी इस तरह से ग्रिप दिया गया है, रबर ग्रिप, ताकि इस मोबाइल को अच्छे से होल्ड करके रखेगा। इसको भी हम लोग इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको, तो फिर हम देखते हैं कि एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं। ये देखिए, ये है, एक बार हल्का सा एक नज़र डालते हैं, फिर इसको हम लोग सेटअप करेंगे तो उसमें ये दिख जाएगा हमें अच्छे तरीके से क्या करना है। तो ये रहा हमारा ओवरऑल स्टैंड, है ना, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टैंड को जो है इंस्टॉल करते हैं। ये इस तरह से लेग को स्प्रेड करना है। ये हमारा अभी सबसे मिनिमम हाइट पे है ये, क्योंकि एक सेक्शन ही इसका खुला हुआ है, दो सेक्शन अभी हम इसको खोलेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसी लो हाइट में ही सबसे पहले बाकी फीचर्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस मोबाइल होल्डर को इस पर कैसे इंस्टॉल करना है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक फ्री एंड लॉक एक नॉब दिया हुआ है, इस तरह से इसमें स्प्रिंग बेस्ड है, देखिए है ना। इसको हम इस तरह से फ्री पोजीशन पे ले आएंगे और हल्का सा इसको हम निकाल लेंगे। ये रहा, इस तरह से हमने इसको निकाल लिया। अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको हम वर्टिकली लगा लेते हैं। वर्टिकली इसमें लगाना है, हॉरिजॉन्टली इसमें लगाना। वर्टिकली यहाँ पे हम इसको रखते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया ये पकड़ने के लिए दिया है, इस तरह से पकड़ने के लिए, इसको घुमाने के लिए कोई स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस तरह से रख के हम इसको हल्का हल्का घुमाते हैं। ये देखिए, ये टाइट हो गया, ज़्यादा टाइट मत करिएगा, क्रैक क्रैक होने का डर है ना। जितना ज़रूरत है, देखिए काफ़ी है, काफ़ी पकड़ लिया इसने, सिर्फ हाथ से ही मैंने टाइट किया, हल्का सा काफ़ी टाइट हो चुका। अब इसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ ऐसे पुश कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसको वैसे ही जैसे निकाला था उसी तरह से, ये देखिए इस तरह से, ये रहा, इसको पहले रिलीज़ करिए, पीछे से आइए, इस तरह से रख दिया है ना। अब इसको हम ऐसे करके लॉक कर देंगे, दबाएंगे, ये लॉक हो गया। अब ये नहीं हिलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। बाहर निकालने के लिए इसको ऐसे करना है और यूँ निकाल लेना है, फिर इसी तरह से पकड़ के अंदर की तरफ इसे पुश करना है, फिर इसको ऐसे लॉक कर देना है। तो ये हो गया हमारा मोबाइल होल्डर इंस्टॉल्ड। अब एक मोबाइल ले लेते हैं और इसमें होल्ड करके देखते हैं। ये देखिए टॉप पोजीशन पे है, इस तरह से इसको हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कैमरा है, इधर का शूट करना है तो लेंस उधर की तरफ रहेगा। थोड़ा सा बटन से हटा के इस जगह पे हम इसकी ग्रिप को ले आते हैं, ऐसे पकड़ के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा और इस तरह से ले लिए, काफ़ी है। सही है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से ये फिट हो गया एकदम, नहीं ये इसको बढ़िया से पकड़ा हुआ। अब हम सारे मूवमेंट्स को इसमें समझने की कोशिश करते हैं। एक मूवमेंट है ये 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री इस तरह से ये मूव करता है। ये कहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ पे ये गोल वाला नॉब दिया हुआ है, इससे हम इसको कंट्रोल करेंगे। सपोज हम यहाँ पे आके और हमें इसे लॉक करना है, तो इसको हम इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट कर देंगे। अब देखिए ये लॉक हो गया, ठीक है। अब ये 360 डिग्री नहीं मूव कर रहा है ना, ज़्यादा भी टाइट नहीं करेंगे, है ना, हल्का सा रखेंगे। अब दूसरा मूवमेंट जो है वो देखिए ये वाला है, वर्टिकल, है ना, टिल्टिंग कहते हैं इसको। टिल्टिंग कहाँ से कंट्रोल होगा, ये जो हम पकड़े हुए हाथ में, इसको क्लॉकवाइज, सपोज इस डायरेक्ट इस पोजीशन पर करना है, सर क्लॉकवाइज इसको हम हल्का सा घुमाएंगे, बस ये देखिए लॉक हो गया, 360 डिग्री भी अब मूव नहीं हो रहा है ना, अब टिल्टिंग भी इसका लॉक हो गया। और देखिए और दिखाता हूँ मैं आपको, एक मूवमेंट है ये वाला, वर्टिकल
लैंडस्केप, वर्टिकल लैंडस्केप, ये कहाँ से कंट्रोल होगा? सपोज हम इस पोजीशन पे चाहते हैं वीडियो शूट करना, इसको ये जो नॉब दिया हुआ है इसको अपडेट करिए, है ना, ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जितना में हमारा काम हो जाए। ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक, इस तरह से हम कोई भी पोजीशन पे इसके इसके और इसके मदद से किसी भी पोजीशन पे इस मोबाइल को लॉक कर सकते हैं। और सेम चीज़ DSLR, GoPro सबके साथ, वीडियो कैमरा सबके साथ यही होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है ना, ये मोबाइल होल्डर हट जाएगा और वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो यूनिवर्सल स्क्रू है उसके साथ। ये हो गया, अब और मैं दिखाता हूँ उसके फीचर्स। तो चलिए इसको अब हम सपोज हम चाहते हैं कि हमको एक हाइट मिले जिसमें हम अप एंड डाउन कर सकें, इसको यहाँ से अप एंड डाउन कर सकें। उसके लिए देखिए यहाँ पर एक लीवर दिया हुआ है घुमाने के लिए, इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते जाइए, एक पोजीशन तक ये आपको यहीं से हाइट मिल जाएगा। बहुत ही स्मूथली ये निकलता है, कितना निकलता है मैं दिखाता हूँ आपको, इतना ये निकल गया। अब आप देखिए लगभग लगभग ये दो ढाई फीट जो है हाइट हमें यहीं से मिल जा रही है ना। इसका नेक जो है ये अप एंड डाउन एडजस्टेबल है, फिर वापस हम इस हैंडल को घुमाते रहेंगे और ये धीरे 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 धीरे, है ना, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ये देखिए आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसको लॉक कर दें कि ये ना हो पाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए स्क्रू दिया हुआ है, इस स्क्रू को टाइट करिए। क्लॉकवाइज सारे स्क्रू टाइट होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सारे स्क्रू ढीले होते हैं। अब ये देखिए लॉक हो गया, है ना, ये सारे स्क्रू का पोजीशन हो गया। ये दिया हुआ है हैंडल, है ना, इस हैंडल को पकड़ के आप कैरी करने के लिए आराम से कैरी कर सकते हैं। एक मजबूत सा हैंडल दिया गया है, हैंडल भी हो गया कवर। अब हम इसके लेग को एक्सपांड करते हैं, कितना हाइट हमें मिलता है। चलिए इसको पहले थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज करके कैमरे को हॉरिजॉन्टल, अच्छा बबल वाला भी देख लेते हैं, एक चीज़ छूट रहा है वो है बबल वाला, बबल हेड, है ना, यहाँ पे दिखाइए, ये देखिए ये हमारा बबल हेड है, ये है ना, इसमें एक बबल जो है इधर से इधर ट्रैवर्स कर रही है। देखिए इस बबल को हमें क्या करना है, एकदम वो तो जो ब्लैक लाइंस हैं इसके बीच में हमें ले आना है, बीच में लाते ही ये इसकी सबसे बेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन है और इसी पे हम इसे रख के इसको क्लॉकवाइज धीरे धीरे हम क्या करना है, इसको टाइट कर रहे हैं इसको, है ना, इसी पोजीशन पर रख के देखिए इसको हमको, ये ढीला हो गया, फिर से करके दिखाता हूँ, ये डबल लाइंस के बीच में बबल्स आ चुका है। अब हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से घुमाते घुमा के हम इसको टाइट कर लिए। अब ये इस पोजीशन पर लॉक हो गई, है ना, ये देखिए मैं तो जूम करता हूँ, बबल अच्छे से दिख जाए, ये मोबाइल के कारण ये जूम नहीं हो पा रहा है। हाँ अब देखिए, है ना, ये हो गया, और भी बेटर हो सकता है, मैं और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस पोजीशन पे, ये वो बेस्ट पोजीशन, है ना। ये था बबल हेड जो एक फीचर्स में आ रहा था, है ना, देखिए ध्यान से देखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आगे, अब इसको हम अब क्या करेंगे, अब हम इसको थ्री सेक्शंस का फुल यूटिलाइज़ करते हुए एक्सपांड करेंगे कि ये टोटल हाइट कितना लेता है। तो उसके लिए क्या है, अच्छा ये देखिए, ये जो इसको फोल्ड करने वाला जो होता है पोर्शन, इसको भी हम लॉक कर सकते हैं ये इसकी मदद से, इसको ऐसे कर देंगे, देखिए अब लॉक नहीं हो रहा, इसको भी कर लेना है। अब हम पहला सेक्शन तो हमारा ये हो गया, दूसरा सेक्शन खोलते हैं, ये देखिए दूसरा सेक्शन हमारा इतना लंबा है, है ना, सारे का खोल लेते हैं, ये हुआ दो सेक्शन ओपन होने के बाद इसका टोटल हाइट, ठीक है, टोटल हाइट है। अब हम लास्ट जो थर्ड सेक्शन है उसको भी ओपन करते हैं, तब तक आप ये देखिए, ये है यूटिलिटी हुक, ये रहा ये यूटिलिटी, रहा ये यूटिलिटी हुक है, इसका आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे टांगने में, सपोज ये माइक का पाउच है, उसको हमने यहाँ पे टांग दिया, है ना, तो इस तरह से किसी भी चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, यूटिलिटी है, किसी भी चीज़ का यूटिलिटी के रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लास्ट थर्ड सेक्शन जो हमारा लेग है उसको सबको ओपन करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा हाइट हमें मिल जाता है ना, तीनों लेग ओपन हो चुके हैं और इसको जो है टेबल पे देखिए हाइट, कितना हाइट से मिल रहा है टेबल के हाइट से, है ना, नीचे रख के मैं दिखाता हूँ, नीचे रख के दिखाता हूँ मैं इसे, है ना,
ये देखिए, फुल लेंथ वीडियो लेने का कोशिश करते हैं, है ना। ये देखिए टोटल, ये मैं आपको एक अंदाज़ा देता हूँ, ये जो हाइट है ना, ये मेरे कंधे तक आ रहा है, ये हाइट मेरे कंधे तक आ रहा है। मैं 5 फीट 7 इंच हूँ, कंधे तक मेरा हाइट आ रहा है, ठीक है। एक अंदाज़ा आप समझ लीजिए कि कितना हाइट ये अटेंड कर रहा है तीनों सेक्शन को ओपन होने के बाद, ठीक है। तो अब मुझे लग रहा है कि सारा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत जो है मिल जाएगी। तो इसका बाइंग लिंक भी मैं बता चुका हूँ कि वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा, उससे आप हो सके तो ज़रूर खरीदिएगा, इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और तब तक के लिए मैं यहीं पे अपने इस अनबॉक्सिंग वीडियो एंड डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो दोनों को, डेमो एंड अनबॉक्सिंग दोनों को मैं अभी यहाँ पे विराम देता हूँ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।